नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। हर साल की तरह इस साल भी फोर्ब्स ने दक्षिण एशिया के अमीर लोगों की सूची जारी की है, लेकिन इस बार इसमें कुछ दिलचस्प नाम है। जी हाँ, इस बार इस पत्रिका ने नेपाल के एक अमीर शख्स को शामिल किया है, लेकिन हम उनके बारे में बताएंगे उससे पहले फोर्ब्स की सूची को देख लेते हैं। फोर्ब्स ने साल 2020 के 100 सबसे अमीर भारतीयों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में कई नाम पहली बार शामिल हुए हैं। टॉप 100 अमीरों की संपत्ति में 2019 के मुकाबले 14% यानी कि $517.5 अरब का इजाफा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर शख्स बने हुए हैं। कि हाल ही में रिलायंस समूह की जियो प्लेटफॉर्म और रिलायंस रिटेल में कई वैश्विक कंपनियों ने निवेश किया है, और जिससे उनकी संपत्ति में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इसी लिस्ट में विनोद चौधरी को शामिल किया गया है। विनोद सीजी कॉप ग्लोबल को नियंत्रित करते हैं और नेपाल के एकमात्र अरबपति हैं। उनकी सबसे बड़ी संपत्ति नेपाल के नबील बैंक और लोकप्रिय वाई नूडल्स बनाने वाली कंपनी सीजी फूड्स की नियंत्रित हिस्सेदारी है। वाई का भारत, सर्बिया और बांग्लादेश में मिस्र में एक नए निर्माण के साथ विदेशी कारखाने हैं। सीजी की होटल संपत्तियों में 30 स्वामित्व वाली और 55 प्रतिबंध संपत्तियां शामिल हैं, जिसमें भारत की ताज होटल श्रृंखला के साथ लग्जरी होटल भी शामिल है। विनोद के बेटे निर्वाण नेपाल में और राहुल और वरुण विदेशों में रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किसी नेपाली बिजनेसमैन को पहली बार किसी पत्रिका ने पहली बार शामिल किया है। इसके साथ ही साथ नेपाल के साथ भारत के संबंध काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, और इसी बीच एक पत्रिका द्वारा नेपाल के बिजनेसमैन का नाम आना, अब लोग नेपाल और भारत की तुलना कर ओली से मजे लेने लगे हैं कि एक कमज़ोर देश कैसे एक विशाल देश को धमकाता है। लेकिन भारत अब भी बिना आवेश में आए नेपाल के बारे में सोचता है। लेकिन नेपाल है कि सदियों पुराने रिश्ते को तार तार कर रहा है, और अपनी क्षमता और अपनी ताकत पर ध्यान देने के बजाय चीन के चढ़ाने पर भारत से संबंध खराब कर रहा है। अब देखना होगा कि आखिरकार नेपाल को बुद्धि कब आती है। जो भी, फिलहाल तो नेपाल को खुश होने का मौका मिल गया है कि पहली बार कोई उनका आदमी फोर्ब्स की सूची में शामिल हुआ है।